से प्रकाश और नागिन सीरियल को फॉलो करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो मैं आप सब तक लेकर आई हूँ। जी हाँ, अगर आप नागिन शो को दिल से फॉलो करते हो या फिर आप तेजस्वी प्रकाश के फैन हो तो आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। अब ये गुड न्यूज़ क्या है और किसके रिलेटेड है और नागिन शो और तेजस्वी प्रकाश को रिलेटेड करके क्यों ये बात मैं आपको बताती हूँ, आइए देखते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू फिफा फोर्स, मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दित्य बिस्वाल। तेजस्वी प्रकाश नागिन के लीड रोल में है, वो तो आप सब पता ही होगा। नागिन सीरियल सीजन 6 के लीड रोल में तेजस्वी प्रकाश हैं। तेजस्वी प्रकाश बिग बॉस शो जीतने के बाद नागिन शो की लीड रोल पे प्ले कर रही थी और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी इस बात की हो रही है क्योंकि नागिन शो हफ्ते में सिर्फ 2 बार आने के बावजूद भी टॉप रैंकिंग पे है। जी हाँ, TRP के रेटिंग में 2.1 इसका रेटिंग है और नागिन शो टॉप ट्रेंड कर रहा है। नागिन शो भले ही हफ्ते में 2 दिन आए लेकिन लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। मैं नागिन शो के बारे में एक शॉर्ट मैं आपको बता दूँ, इसकी प्रोड्यूसर रही है एकता कपूर। एकता कपूर की हर एक सीरियल एक मिसाल देनी पड़ेगी क्योंकि वो कुछ नया कुछ हटके हर सीरियल में लेकर आती है। उनका एक भी सीरियल एक से दूसरा सिमिलर नहीं होता है। सारे सीरियल्स में सारे शोज़ में कुछ ना कुछ नए फ्रिक्शन, कुछ ना कुछ नए मेथड आप कह सकते हो स्टोरीज़ के साथ वो लेकर आती हैं। कहीं ना कहीं आज से कुछ साल पहले जब नागिन सीरियल के स्टार्टिंग कर रहे थे एकता कपूर, तब बहुत सारे लोगों के मन में एक ख्याल आया था कि क्या पता ये शो हिट होगा नहीं होगा, बिकॉज टोटली कहीं ना कहीं फिक्शन टाइप शो है जहाँ पर इच्छाधारी नागिन के कॉन्सेप्ट को पूरा दर्शाया गया है। कई ना कई लोग इसे सुपरस्टिशन का भी नाम देते हैं और कई लोग इसे दिल से फॉलो भी करते हैं। ये शो के आने के बाद से लोगों के व्यूअर्स काफ़ी बढ़ने लगे हैं एंड तेजस्वी को इस रोल में देखकर फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि तेजस्वी को इससे पहले एक संस्कारी बहू या कुछ और रोल में फैंस ने देखे हैं, बट यहाँ पे एक अलग ही रूप धारण करते हुए तेजस्वी प्रकाश नागिन के रोल में पूरी तरीके से फिट हो चुकी है। आपको बता दूं तेजस्वी प्रकाश बहुत बैलेंस्ड लाइफ और वर्क लाइफ बैलेंस को बखूबी निभाते हुए ये शो कर रही है, जहां वो अपनी फैमिली को भी टाइम देते हुए नज़र आई है और सिद्धिविनायक मतलब गणपति फेस्टिवल के टाइम पे दर्शन करने के लिए भी गई है। फैमिली, फ्रेंड्स और अपने बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा को इक्वली टाइम देते हुए वो अपने शो को भी बखूबी निभा रही है। इससे तेजस्वी प्रकाश का ये जो काम करने का तरीका है ये तो साफ दिख रहा है कि वर्क लाइफ बैलेंस वाले मेथड को बखूबी निभा रही है तेजस्वी प्रकाश। इनसे सीखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं। TRP रेटिंग जब बढ़ी तेजस्वी प्रकाश से ये बातचीत करते वक्त हम लोगों ने उनसे पूछा कि कितनी खुशी हो रही है आपको ये बात जानकर कि आपका शो टॉप रैंकिंग पे है, आपका शो TRP में आगे है। उन्होंने ये चीज़ कहा कि मुझे पहले से ही कभी भी ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं रहता और कभी भी मैं किसी शो को जज नहीं करती हूँ क्योंकि शो कलाकार की वजह से चलते हैं ना कि उसके कॉन्सेप्ट की वजह से। और कहीं ना कहीं मैं खुद के साथ साथ एकता मैम को भी थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस रोल के लिए सूटेबल समझा और मुझे इस रोल में काम करने का मौका दिया। मैं खुश हूँ मैं लोगों को और एंटरटेन कर पाऊँ और ऐसे कॉन्सेप्ट और लेकर आऊँ कि लोग मुझे पसंद करें। उन्होंने इतने अच्छे स्टेटमेंट में अपनी बात कंप्लीट की। हम भी तेजस्वी प्रकाश से यही कहेंगे कि आप इस तरीके से लोगों को एंटरटेन करें। और आप क्या सोचते हो नागिन 6 के बारे में और आपको तेजस्वी प्रकाश एज अ नागिन कैसे लगती है, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अपडेट्स के लिए आप फॉलो करिए हमें